टीवी की सबसे क्यूट जोड़ी मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के बारे में यूं तो सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिनके बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मगर अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, जिस वजह से इनके लाखों करोड़ों चाहने वाले बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के बीच, जिसके चलते इनका ब्रेकअप हुआ है? क्या है इसके पीछे की वजह, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको इनके ब्रेकअप के पीछे की वजह के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा और कार्तिक का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता मोहसिन खान और शिवांगी जोशी सीरियल के सेट पर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बने और आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इन दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। इसीलिए तो इनकी प्यार के किस्से दर्शकों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन कुछ समय पहले खबरें आई हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, जिसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं और इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमी आ गई थी, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे की बात सुनने और समझने को राजी ही नहीं थे। यही नहीं बल्कि खबरों के मुताबिक तो ये भी बताया जा रहा है कि शिवांगी को मोहसिन का अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ एल्बम सॉन्ग बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और यही वजह है कि शिवांगी ने मोहसिन को उन एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के लिए मना किया। लेकिन मोहसिन ने शिवांगी की बात ना मानकर अपनी मनमर्जी की, जिसके चलते शिवांगी मोहसिन से और भी ज्यादा नाराज हो गईं और उन्होंने मोहसिन से बातचीत करना कम कर दिया। हालांकि अभी तक ये बात पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है कि शिवांगी और मोहसिन का ब्रेकअप हो गया है या नहीं, क्योंकि आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ लाइमलाइट में स्पॉट किए जाते हैं। इसीलिए इनके बीच के ब्रेकअप की कहानी अभी तक मीडिया में खुलकर सामने नहीं आई है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है बल्कि ये दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपको अभी भी लगता है कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का ब्रेकअप हो गया है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।